इस मंदिर में भोग में दी जाती है सैकड़ों बकरों की बलि और बैगा पीता है उस बकरे का खून। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शरद पूर्णिमा के दिन मानकेश्वरी मंदिर में बैगा ने बकरों की बलि देकर उनका खून पिया, जहां मौजूद श्रद्धालुओं के मुताबिक इस दिन बैगा के शरीर में देवी आती हैं और वो बलि दिए गए बकरों का खून पीती हैं। आपको बता दें, बलि की ये परंपरा करीब 500 साल से चली आ रही है। श्रद्धालुओं के मुताबिक जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वो यहाँ बकरा और नारियल लाकर चढ़ाते हैं। ग्रामीणों की माने तो पहले 150 से 200 बकरों की बलि दी जाती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद से इनकी संख्या 100 तक हो गई है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार बलि पूजा से पूर्व रात्रि पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। जब निशा पूजा होता है, उस दिन राज परिवार से बैगा को एक अंगूठी पहनाई जाती है। यह इतनी ढीली होती है कि यह अंगूठी बैगा के उंगलियों के नाप में नहीं आती, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन बलि पूजा के दौरान वह अंगूठी बैगा के हाथों में इस कदर कस जाती है जैसे वह अंगूठी उन्हीं के नाप की बनाई गई हो। टाइट होकर उंगली में फंस जाती है, जिससे पता चलता है कि माता का वास बैगा के शरीर में हो गया है। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बैगा में माता प्रवेश करती है तो बैगा पशु बलि का रक्तपान करता है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी माता की कृपा से उसके शरीर पर नहीं पड़ता। कई गुना रक्त पीने के बावजूद उसका स्वास्थ्य सही रहता है।